दोस्तों, तो आज हम आपके पास लेके आए हैं ये सैमसंग का मोबाइल जिसका मॉडल है M11। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये काफ़ी हैंग होता है, चलते हुए रुक जाता है। तो दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे कि आज आपको दिखाएंगे कि इसको हम बिना ऑन करे इसको हम रीसेट या फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, हार्ड रीसेट। दोस्तों, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये फ़ोन है इसका जो वॉल्यूम वाला अप वाला बटन है दोस्तों, जिससे हम वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं, और ये पावर बटन दोस्तों देखिए, और ये वॉल्यूम बटन है, इन दोनों को एक साथ दबाएंगे दोस्तों। तो एक साथ दबाने से क्या होगा कि जो इसके फॉर्मेट वाले फंक्शन है वो खुल जाते हैं, काफ़ी सारे फंक्शन। दोस्तों देखिए, दिखाता हूँ आपको, इसको दबाते जैसे ये सैमसंग आ जाएगा गैलेक्सी M, तो हम पावर बटन और वॉल्यूम बटन को छोड़ देंगे। छोड़ने से क्या होगा कि ये दोस्तों, ये ऐसे दोनों बटन दबने ये रीस्टार्ट वाली जो फॉर्मेट वाली कंडीशन में आ जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी आ चुका है, इसमें काफ़ी सारे फंक्शन दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको रीसेट करना है दोस्तों। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए दोस्तों, जो इसका ये लिखा हुआ है, तो दोस्तों जैसे कि 5 पे दिए गए, तो इसको वॉल्यूम डाउन वाले से हम इसको नीचे करेंगे, जिससे वॉल्यूम कम करते हैं उससे इसको नीचे करेंगे, और ये हमारा आ गया वाइप डाटा फैक्ट्री सेट। तो इसको हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए क्या करेंगे, जिसका पावर बटन है ये दबाएंगे, क्योंकि टच काम नहीं करेगी इसमें, तो बटनों से काम करना पड़ेगा, जो इन हमारे तीनों बटन है। तो दोस्तों देखिए, आ चुका है रीसेट करने के लिए, इसका डाटा वगैरह सारा उड़ जाएगा, तो मेमोरी कार्ड वगैरह निकाल लें अपना, नहीं तो उसका भी डाटा उड़ जाएगा। हमें क्या करना है, कैंसिल तो करना नहीं, हमें इसको फैक्टर डाटा रीसेट करना है दोस्तों। तो इस पर हम क्लिक करके नीचे डाउन वाले बटन से वॉल्यूम, तो क्या करेंगे, इसका पावर बटन दबा देंगे दोस्तों। पावर बटन दबाते ही ये रीस्टार्ट फॉर्मेट की कंडीशन में आ जाएगा दोस्तों। देखिए, ये बंद हो चुका है और ये फॉर्मेट हो चुका है दोस्तों। देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता फॉर्मेट होने में। तो देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको रिबूट करेंगे, रिबूट सिस्टम नाउ, तो इसको कर देंगे दोस्तों। अब ये 3-4 मिनट में दोबारा ये जैसे सैमसंग वगैरह आ गया, प्रोसेसिंग होगी, तो ये ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जब तक मैं बताता हूँ कि मेरा नाम रिंकू है और मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ दोस्तों, रिपेयर की या फॉर्मेट वगैरह करने की, फोन वगैरह कैसे रीसेट करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और जो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि उनको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, जो कि हमारा फोन है ये रीसेट हो चुका है, अभी सिस्टम एंड्रॉइड आ रहा है, ये थोड़ी देर बाद ये प्रोसेसिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो जब तक ये ऑन होता है, तो हमें क्या करना है, ना इसका कोई बटन दबाना है, ना कुछ छेड़ना है दोस्तों। और ये रीसेट करने से पहले आप देख लें कि हमारे फ़ोन की बैटरी 80% 85% से ज़्यादा होनी चाहिए, कम होगी तो हमारा फ़ोन डेड भी हो सकता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, प्रोसेसिंग हो रही है इसकी, जो कि अभी ये ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। तो देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन में अभी ये फंक्शन आ चुका है, अभी ये येलो पट्टी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और हमारा फ़ोन उसके बाद ऑन हो जाएगा। तो जैसे हमारा फ़ोन न्यू आता है, डिब्बे में निकालते हैं, उसकी जीमेल वगैरह की सेटिंग करनी पड़ती है, ये इस कंडीशन में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जैसे कि ऑन होने की कंडीशन में आ चुका है। देखिए दोस्तों, अभी इसमें लाइट वगैरह चली गई और ये वाइट आ गया और ये वेलकम हो गया है दोस्तों। हमारा फ़ोन है जो कि रीसेट हो चुका है, अब इसकी सेटिंग करनी है। अगर आप सेटिंग कर सकते तो ठीक है, नहीं बाकी मैं बता रहा हूँ, ये नेक्स्ट वगैरह करना है, इसको ओके करना है, अभी नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। देखिए, तो अब आगे ये आ रहा है दोस्तों, वाईफाई से हमें कनेक्ट नहीं करना है, हमें सीधा इसको स्पीक स्किप कर देंगे। तो अब इसको ये नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों। देखिए, कॉपी में डाटा नहीं करना दोस्तों, सॉरी, नेक्स्ट नहीं करेंगे हम, डोंट कॉपी करेंगे, क्योंकि हमें पुराना डाटा नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल नया बनाना है। अब ये आगे आ गया, इसका टाइम डेट वगैरह हमें कोई सेट करने की जरूरत नहीं, सिम डालेंगे अपने हो जाएगी सेट दोस्तों। तो अभी मोर पे कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे दोस्तों, अब ये स्किप कर देंगे और ऑल स्किप कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब ये फंक्शन आ गया, इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से, और इसको स्किप कर देंगे दोस्तों, क्योंकि हमें सैमसंग का अकाउंट भी बनाना ही है, क्योंकि हमें सीधा डायरेक्ट फोन को ऑन करना है, इसलिए हम कोई भी एप्लीकेशन वगैरह ऑन नहीं करेंगे, तो स्किप करते जाएंगे। जैसे जैसे इस पर लिखा आता रहेगा, वैसे वैसे पढ़ के करते रहेंगे दोस्तों। और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेटअप, और इसको फिनिश कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो कि हमारा फ़ोन है पूरी तरह ऑन हो चुका है दोस्तों। तो अब इसको एक बार ऊपर करेंगे, ओके करेंगे, और ये फ़ोन हमारा चालू हो गया है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।